पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, लेकिन ऐसा रंग जिसने सियासी रूप ले लिया। ऐसी तो तेरी कहानी ना थी, लेकिन ये कहानी है दिल्ली की, जहां इन दिनों पानी को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है, जिसने पूरे देश की राजधानी दिल्ली की नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में भी उथल पुथल मचाकर रख दी है। दरअसल दिल्ली के पास अपना कोई जल स्रोत नहीं है, पानी के लिए ये पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। देखिए इस खास रिपोर्ट। हम कोई इतफाक नहीं रखते उनकी बात से, और देखिए जरूरत के हिसाब से हमेशा मदद करते हैं, और हमने हमेशा मदद की दिल्ली की, कोई ऐसा नहीं है, और हमने उस पर कोई एहसान भी नहीं जताया। इसका अपनी कमियों को दूसरों के सिर पर थोपती है, चाहिए तो उन्हें था कि वो अपना प्रबंधन ठीक करें। दिल्ली में रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली के लोगों पर कोई मुसीबत आई हो। कई बार दिल्ली को दरिया होते लोगों ने देखा है, कई बार दिल्ली की सड़कों को तालाब बनते देखा है, जिन सड़कों पर बारिश के पानी के कारण लोगों को डूब कर जाते देखा है। अब उन सड़कों पर लोग भाग रहे एक दूसरे को पानी के लिए धक्का दे रहे हैं। इस बार लोगों को पानी परेशान नहीं कर रहा, बल्कि पानी की प्यास ये करने को मजबूर कर रही है। मेंशन पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने दिल्ली वालों को पानी देना कम कर दिया है। हरियाणा सरकार पिछले 3 हफ्ते से दिल्ली को 100 MGD पानी कम दे रही है। दिल्ली लगातार हरियाणा पर कम पानी देने का आरोप लगा रहा है, तो हरियाणा दिल्ली सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर तो दिल्ली सरकार को अपने सिस्टम को ठीक करने की नसीहत तक दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह भी पानी के संकट पर मंथन से हल निकालने की सलाह दे रहे हैं। हम कोई इतफाक नहीं रखते उनकी बात से, और देखिए जरूरत के हिसाब से हमेशा मदद करते हैं, और हमने हमेशा मदद की दिल्ली की, कोई ऐसा नहीं है, और हमने उस पर कोई एहसान भी नहीं जताया। इसका हमने जो शेयर दिल्ली का रहा है उससे ज्यादा शेयर हमने हमेशा दिल्ली को दिया है। लेकिन ये बात अलग है कि वहाँ इस प्रकार की एक सरकार है जो अपनी कमियों को दूसरों के सिर पर थोपती है, चाहिए तो उन्हें था कि वो अपना प्रबंधन ठीक करें। तो वहाँ की व्यवस्था का सुधार करने की जिम्मेदारी जो है वहाँ की सरकार की है, लेकिन हरियाणा सरकार ने हमेशा सहयोग किया। पंजाब में आप पार्टी की सरकार है, अरे जिस रावी ब्यास के सरप्लस पानी को 40 साल से फैसला हो रहा है, उसको तो वहाँ पार्टी केवल उस नहर की खुदाई नहीं होने देती, और उल्टा दोष दूसरों पर लगाते हैं। ये 142 करोड़ का देश है, हम सब मिलकर इन जो सकारात्मक काम उन प्रोजेक्टों को पूरा करवाएं, दिल्ली को भी पानी मिले। अगर मैं मेरी हरियाणा की बात करूँ, जहाँ से मैं सांसद हूँ, यहाँ से भी ज़्यादा क्राइसिस हैं, यहाँ से भी ज़्यादा, चाहे वो महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, भिवानी है, दादरी है, हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। इसलिए केवल हम ये सोचें, यहाँ तो आप 120 लीटर प्रति व्यक्ति पानी लेते हो, हमें तो वहाँ 40 लीटर प्रति लीटर मिलता है, क्या वो हमारे भाई नहीं है? इसलिए पानी को बचाओ, ये झूठी बातों के से कोई फायदा नहीं। हरियाणा सरकार ही नहीं बल्कि दूसरे दलों के नेता भी दिल्ली सरकार के सिस्टम को फेल बता रहे हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने तो दिल्ली के पानी को बंद तक करने की बात कह दी, तो वही कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा के पास पानी की कमी की बात कही। कोई जल संकट नहीं है, जल संकट तो हरियाणा में है, खास करके तुम्हारे रिवाड़ी में है, महेंद्रगढ़ में है, भिवाड़ी में है। हमारा जो SYL का पानी जो रोक रखा है पंजाब में, जो आप पार्टी की सरकार दिल्ली में है, जो आज रो रही है पानी के लिए, जो पंजाब में इनकी सरकार है, वहां से हमें पानी नहीं दे रहे। आज पता लग रहा है ना एक एक बूंद पानी की क्या कीमत होती है। हमारा तो 35 लाख एकड़ फुट पानी है, ये तो बीजेपी की सरकार है यहाँ जो इनको पानी दे रही है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार होती मैं नहर बंद कर देता। समाधान तो पानी की कमी तो है, चाहे दिल्ली है चाहे हरियाणा। अब हरियाणा भी कहाँ रोक लेगा, कितना पानी रोक लेंगे, कैसे रोक लेंगे हम? हमारे यहाँ खुद बहुत ज्यादा मुश्किल है पानी की हरियाणा में, तो फिर इस चीज़ को तो अब कैसे देखें? हमारे पास कौन सा, हमारे इतने बड़े बड़े डैम है कि हमने रोक लिया और यहाँ के लिए छोड़ नहीं रहे, हमारे यहाँ भी कमी है पानी की। दिल्ली को हरियाणा की ओर समझौते से ज्यादा पानी दिए जाने का दावा किया जा रहा है,
यहाँ तक हरियाणा इस मामले पर दिल्ली को राजनीति न करने की सलाह तक दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या पानी पर चल रही सियासी बयानबाजी से जल संकट का हल निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।